फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर की। इसका मतलब है कंधे का बार बार उतर जाना। आमतौर पे ये जिम जाने वाले लोग, जैसे कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या कोई बॉक्सिंग जैसी स्पोर्ट्स करते हैं, उसमें कंधा बार बार उतर जाता है। पर रिकरेंट डिसलोकेशन रोड साइड एक्सीडेंट, टू व्हीलर एक्सीडेंट्स के बाद भी कॉमन है। कंधा अगर एक बार उतरता है तो यंगर पेशेंट्स में संभावना होती है उसकी बार बार उतरने की। रीज़न कंधे के उतरने का होता है लिगामेंट टियर। हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर एक लेब्रम टिश्यू होता है जो बॉल को सॉकेट के अंदर होल्ड करके रखता है, और कोई भी ऐसी इंजरी जिसमें वो लेब्रम या लिगामेंट टूट जाता है तो शोल्डर अपनी जगह से डिसलोकेट करता है। किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में शोल्डर डिसलोकेट होने लग जाता है। कईयों को वो पोजीशन थ्रोइंग इंजरीज, यानी कि जैसे वो किसी चीज़ को फेंकने लगते हैं तो उतरता है, पर कईयों का नींद में भी उतर जाता है कंधा, और ये एक बहुत पेनफुल और डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है। MRI करके मालूम पड़ता है कि शोल्डर डिसलोकेट क्यों कर रहा है। MRI से हम लेब्रम की या लिगामेंट की इंजरी को इवेल्युएट कर लेते हैं और उससे ये पता लग जाता है कि ये क्या डिसलोकेशन आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन के साथ सर्जरी से रिपेयर की जा सकती है, या इसके लिए हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें कि कंधे को खोल के उसके लिगामेंट को और बोन को रिपेयर किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि कंधे के अंदर हम एक छोटी सी टेलीस्कोप दूरबीन को दाखिल करते हैं, जॉइंट को पूरी तरह से इवेल्युएट किया जाता है, और जॉइंट के अंदर जो लिगामेंट टूटी होती है या लेब्रम टूटा होता है उसको क्लीन करके वापस उसी पोजीशन पे लाके हम अटैच कर देते हैं जहाँ से वो टूटी है। इस सर्जरी में हम एंकर्स यूज़ करते हैं। ये छोटे से पिन होते हैं या स्क्रू होते हैं जो एब्जॉर्बेबल होते हैं, शरीर के अंदर अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये एंकर्स को हम बोन में फिक्स करके वो लेब्रम टिश्यू को उसी के साथ स्टिच कर देते हैं। शोल्डर जॉइंट अपनी एनाटॉमी, अपनी शेप दोबारा गेन कर लेता है, उसमें वो चाल दोबारा से आ जाती है। आर्थ्रोस्कोपी शोल्डर सर्जरी करीब 30 मिनट की सर्जरी होती है। ये जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। हॉस्पिटल में करीब एक दिन रुकते हैं। इस सर्जरी में 3 से 4 टांके आते हैं जो 10 दिन में निकल जाते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट को एक आम पाउच जैसा सपोर्ट पहनना होता है जो करीब 2 हफ्ते के लिए होता है। वो अपनी लाइट वर्क जैसे कि खाना खाना, नहाना, लिखना पढ़ना, सारा काम अगले दिन से शुरू कर सकता है, पर भारी चीज़ नहीं उठानी होती और गाड़ी ड्राइव नहीं करनी होती। 2 हफ्ते के बाद एक्सरसाइज प्रोग्राम को इनक्रीज़ कर दिया जाता है। आमतौर पर हर पेशेंट 1 महीने में अपने शोल्डर की पूरी मूवमेंट वापस गेन कर लेता है। 2 महीने से वो रबड़ बैंड यानी थेराबैंड से एक्सरसाइजेज शुरू कर सकता है। 3रे महीने में लाइट वेट्स डंबल से एक्सरसाइज, और 4थे महीने में शोल्डर वैसा ही मजबूत हो जाता है जैसा कि इसका दूसरा शोल्डर है। आर्थ्रोस्कोपी का एडवांटेज है सबसे बढ़िया रिकवरी, पूरी चाल का वापस आ जाना, और पावर और स्ट्रेंथ वैसी रिस्टोर हो जाती है जैसे कि एक नॉर्मल शोल्डर की है। आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत प्रिसाइज है, और सिर्फ वही सर्जन जो शोल्डर में और नी में स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्पेशलिस्ट होता है वही ये सर्जरी कामयाबी से कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।